सो फ्रेंड्स, आज फाइनली मैं सब बताने वाला हूँ कैसे आपको सीई एमुलेटर रन करना है मोबॉक्स एमुलेटर में। बने रहना, इस ट्यूटोरियल को मिस मत करना, आगे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। सीई एमुलेटर एक्चुअल में कैसे रन करता है वर्जिल में भी बताऊंगा और स्नैपड्रैगन में भी, टर्निप प्लस जिंक में आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्योंकि कई सारे मेरे फ्रेंड्स के पास एक्सिनो डायमेंसिटी जीपीयू माली है, तो उनके लिए भी आज एक ही सॉल्यूशन लेके आया हूं। आज मैं पहली बार ही बता रहा हूं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना वरना तो आपको नहीं समझ आएगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि वोल्कन रेंडरर है, काफ़ी बढ़िया स्पीड मिलने वाली है नेटिव, आपको पता चलेगा। पहले ओपन जीएल के भी बारे में बता दूंगा, अगर आपके पास नहीं वोल्कन सपोर्ट है तो ओपन जीएल के बारे में भी बताऊंगा, तो आप बने रहना। तो यहाँ पे आप जो स्पीड देख पा रहे हो काफ़ी एक्चुअल में मस्त मिलने वाली है, ऑडियो आउटपुट सब कंप्लीट है, सीई एमुलेटर है आपको लेटेस्ट वर्ज़न और जो वर्ज़न मेन है। सबसे पहले आप जैसे ही मोबॉक्स को ओपन करोगे तो आपको देख लो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, सेकंड नंबर में टर्निप प्लस जिंक स्नैपड्रैगन हो तो ये वाले सिलेक्ट करना, मैंने अभी तो 4 का यूज़ किया है, आप V3 भी यूज़ करके देखना और V4, ये काफ़ी बढ़िया नेटिवली स्पीड मिलने वाली है। और इसके ऊपर जो ऑप्शन है टर्निप प्लस जिंक के, तो आप में जो भी DXV के सपोर्ट हो, 2.2 हो गया मेरा, 8.0.2 है, आपको जो भी लगे हर एक को ट्राई करना, जो भी स्टेबल लगे सब के सब बेस्ट हैं। ये हमको मोबॉक्स के अंदर सिर्फ यही सेटिंग्स है और कुछ नहीं करना है। जैसे ही नीचे स्टार्टअप आप देखोगे तो वहाँ पे ये वाले ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, बस इनको ही सिलेक्ट करना है और कुछ सिलेक्ट नहीं करना है। सीई एमुलेटर आप 1.26 या 1.27 है तो आपको देख लो इसमें ये वाली सेटिंग्स आने वाली है। आप जनरल में जाओगे तो आपको वहाँ पे रेंडरर सेलेक्ट करना है, ओपन जीएल ना वोल्कन रखोगे तो आपको देख लो नीचे ये तीन सेटिंग आती है ना, वो वाली सेटिंग मैंने यहाँ पे पूरी मार्किंग करके दिखाई है। इसके बाद आपको आएगा यहाँ पे आउटपुट, जिसमें आपको इनपुट ब्रिज यूज़ करना है, ये पूरा मैपिंग करना पड़ेगा। इनपुट ब्रिज आप कोई भी सिलेक्ट कर रहे हो, मोबॉक्स ने वहाँ पे प्रोवाइड किया है गिटअप पे, वो भी यूज़ कर पाओगे, या तो 1.7 मेरा यूज़ होता है वो भी चलेगा। आपको इसके बाद करना है सीपीयू स्पीड, आपको जैसे समझो कोई काफ़ी स्पीड चल रही है तो उसको कम भी कर पाओगे और फुल स्पीड भी कर पाओगे, ये आपके हाथ में है कैसे आपको स्पीड करना है। आपको सेटिंग मैंने सीई एमुलेटर की दिखा दी है, जो भी थी जनरल में उसको एक बार ज़रूर से चेक करना। नीचे मैंने स्ट्रेस टू विंडो किया है, आप थोड़ा रिवर्स करके या पाउस करके देख लेना, जो जो मैंने सेलेक्ट किया है उसको ही सिलेक्ट करना है, बाकी कुछ सिलेक्ट नहीं करना है, सब बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है। आपको सीपीयू टाइमर स्पीड मेन है, अगर ज़्यादा स्पीड दे रही है तो उसको कम भी कर पाओगे, अगर कम दे रही है तो उसको ज़्यादा कर पाओगे, जैसे कि मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऊपर देखो ये वाला 1.26 में भी स्टेबल वर्ज़न है, 1.27 एक्सपेरिमेंटल है, वो आपको गिटअप पे मिलेंगे रिलीज़। ये अभी जो वर्क कर रहे हैं काफ़ी फाइनल वर्क है, जितने भी मैंने आगे टाइटल दिखाए थे वो एक्चुअल में बॉक्स 64 में बूट भी नहीं हो पा रहे थे, लेकिन इसमें तो अमेजिंग स्पीड मिल रही है वोल्कन की, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है। पूरा सेटिंग मैपिंग सब कुछ मैंने बता दिया है, कंट्रोलर कैसे यूज़ होता है वो भी बता दिया है, और कंट्रोलर में कैसे हमको लेआउट बनाना है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आपको पता चलेगा कैसे कंट्रोलर के लेआउट को हम चेंज कर सकते हैं इनपुट ब्रिज के। आपको सेम उसकी सीई एमुलेटर की सेटिंग भी मिल जाएगी कैसे चलानी है। तो मिलूंगा नेक्स्ट अपडेट में, इसके बाद भी अगर नहीं समझ पड़ रहा है तो मुझे नीचे कमेंट करना, मैं ज़रूर से रिप्लाई करूँगा। तो मिलूंगा नेक्स्ट अपडेट में, बाय फ्रेंड्स।